ऑन कर दी है ना, तो बस यस। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास नाइन्थ का है ना, क्लास नाइन्थ का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। चलिए इसको हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने भिन्न और इनके प्रकार के बारे में दिया का भिन्न भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, कोई बताएगा मुझे? तो बताइए, अगर आप तीन। जानते हैं तो। हाँ, बहुत बढ़िया, तीन। बात बताइए मुझे। ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। सर, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि वो कौन कौन से प्रकार है। तो बेटा देखो, एक होता है उचित भिन्न, एक होता है ना अनुचित भिन्न, है ना अनुचित भिन्न, और वो जो तीसरा जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मिश्र भिन्न, ठीक है, मिश्र भिन्न, ठीक है। आई थिंक ये सारी चीजें आपको याद आ गई होंगी। चलिए हम लोग अपने टॉपिक को आ जाते हैं कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 सही 1/8 को विषम भिन्न में बदलिए। सही, इसको बदला जाए तो पहले आप क्या करोगे, इस हर वाले 8 का गुणा करोगे 2 से। ये हर में 8 है ना, 8 2 में करो तो 8 2 16 है, और अंश में 1 लिखा हुआ है तो 16 और 1 17, यानी 17 आपका फाइनल आंसर आएगा। सारे बच्चों को ये वाला जो तरीका है समझ में आया? बच्चों समझ में आया ये तरीका? अच्छा, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। तो ये है क्या, तो ये बदलना है आपको, है ना, एक मिश्र भिन्न को, है ना, एक मिश्र भिन्न को किसमें, एक विषम भिन्न में। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ भी एक सवाल है, क्या लिखा है, 3 सही 5/7। तो क्या करोगे आप, इस 7 का गुणा कराओगे इस 3 से, 7 3 21। 21 और 5 कितना होता है बेटा, 21 और 5 कितना होता है, 26। 26/7 है ना, 26/7, 26/7 आपका फाइनल आंसर आएगा। क्या सारे बच्चों को सवाल समझ में आया? सर। ओके बच्चों, अब मैं, हाँ अब मैं आपको कुछ कुछ सवाल दूंगा और वो सभी सवालों को आपको करना है। यहाँ पे लिखा है 5 सही 1/3, तो इसको आपको विषम भिन्न के रूप में लिखना है। तो सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे सेक्शन में, कोई आंसर नहीं करेगा, सारे लोग इसका आंसर देंगे फुल सेक्शन। फुल सेक्शन ऑन हो चुका है, फुल सेक्शन ऑन हो चुका है बच्चों, फुल में आंसर करिए इसका। ओके, 3 बच्चों का ठीक सर आंसर आया है, एक बच्चे का। बी सर हाँ बताइए, बी है सर। कोई बच्चा कुछ बोलना चाहता है? देखिए, आप लोग सिर्फ और सिर्फ पोल में आंसर करिए, ठीक है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ पोल में आंसर करिए बच्चा। कौन कोई बच्चा नहीं, हमारे काम करके कोई भी बच्चा नहीं बताएगा। ओके, तो ओके, और बाकी बच्चे बताइए, 4 बच्चों का ठीक है, 3 बच्चों का गलत है, ठीक है। ओके, इस समय बेटा 4 बच्चों का गलत है और 4 बच्चों का ठीक है। क्या कर रहे हैं आप लोग, गलत क्यों दे रहे हैं आप लोग आंसर? बच्चों गलत क्यों दे सर रहे हैं आप? मेरा बी है सर। मेरा मेरा आंसर है बी। बेटा गरिमा वर्मा के नाम से जो बच्चा है, ऐसे नहीं आंसर करा जाता है, आपको सिर्फ और सिर्फ पोल में आंसर करना है, ठीक है।
सिर्फ और सिर्फ पोल में। यस, सिर्फ और सिर्फ पोल में आंसर के लिए। चलिए बच्चों, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ और चैट सेक्शन ऑन कर देता हूँ, ठीक है? चलिए चैट में आंसर करिए सारे बच्चे। चलिए अब मैं इसको आगे है ना समझा देता हूँ। देखिए लिखा क्या है, 5 सही 1/3। तो आप इस 3 का गुणा बच्चों इस 5 से कर दीजिए, तो 5 3 15 16, 16/3 आ जाएगा, यानी कि ए वाला उत्तर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? क्या सारे बच्चों को समझ में आया बच्चों? सर, यस सर। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। सवाल को करें क्या है, आपको अगर बढ़िया भाग करेगी क्या सर पिछला आपकी कट की आवाज आ अच्छा रही है, सर आपकी कट कट की अच्छा आवाज आ रही है, आपकी कट कट की आवाज आ रही है। तो ये सर आपकी आपको साफ आवाज अच्छा नहीं आ रहा, सर आपकी साफ आवाज नहीं आ रही। बच्चों आप बताओ, आप ठीक है? यस सर, यस सर, ठीक है बेटा, बहुत यस सर, यस सर, हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोग इसका आंसर करके पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन में मैंने ये क्वेश्चन दे दिया है, आप लोग इसका आंसर करिएगा। सिर्फ और सिर्फ इसको किस में बदलना है, मिश्र भिन्न में बदलना है, ठीक है? मिश्र भिन्न में बदलना है, तो आप इसका आंसर करने का प्रयास करिए। ओके बच्चों, 5 लोग ठीक है, किसी का नहीं मान है, बात करिए। बाकी लोग भी आंसर करिए। कुल 8 बच्चों का ठीक है और 2 बच्चों का गलत। बाकी ठीक है, ठीक लिया सर। है।
सर आंसर ए है। हाँ ओके बच्चों, ठीक है। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसको समझा देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या करो, 78 को डिवाइड करो 11 से, तो देखना बेटा, तो 11 7 का कितना होता है, 77 हो रहा है, ये 1 कैरी होगा, तो भागफल कितना है 7, शेषफल कितना है 1, और भाजक कितना है, फाइनल आंसर बनेगा 7/11, यानी कि ए वाला पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके बच्चों, ओके, ठीक है, मेरी आवाज आई सारे बच्चों को? यस यस सर। सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे लिखा है 78 को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम का दो चीजों को, कौन कौन सी चीजों को, अंश और हर को। अंश और हर को हमें उस वाली संख्या से भाग करना है ना, उस वाली संख्या से भाग करना है जिससे ये दोनों ही संख्याएं बराबर बराबर तरीके से कट जाए, मतलब कट जाए, है ना, बराबर नहीं कट जाए, है ना। तो जैसे मान लो 2 से भाग करो, चलो 2 बचे 10, 2 चौके 8, 5/4 है, तो क्या आप भाग देकर कर सकते हैं? तो उत्तर है नहीं। तो आपका इसका सरलतम रूप होगा बच्चों 5/4। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस ओके सर। ओके, अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा है 15/20, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 8 करो 8 यहाँ 15, 5 चौके 20, क्या 3/4। इन सब सवालों में सिंपली आपको ये करना है कि इनको सिंपलीफाई कर देना है ना, इनको सॉल्व कर देना है, ताकि ये फर्दर किसी से कैंसिल ना हो और वो अंत रूप में कैंसिल हो रही हो, उसके बाद कैंसिल होने का कोई सवाल नहीं आएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको आगे यस कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। ओके बेटा, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू, चलिए वाले क्वेश्चन को अपने मन से सॉल्व करिए, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। अपने मन से करिए, देखिए हो पा रहा है ये क्वेश्चन। अच्छा देखो, ये हो पा रहा था, ठीक है। चलिए अब मैं इसको सिखा देता हूँ, मैं खुद सिखा देता हूँ। चलिए, एक बच्चे ने कहा था 30/3 आएगा, 30/3, आई थिंक इनका आंसर करेक्ट है, और देख लेते हैं क्या इनका आंसर क्या है। लिखा हुआ है 7/4/6, कट करना था इसको, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो आप लिखोगे इसको 7/2/3, है ना। चलो ये तो एक मिश्र भिन्न में आ गया, चलो इसको आप बदल दो विषम भिन्न में, तो 7 3 21, 21 और 2 कितना होता है 23, 23/3 आपका फाइनल आंसर आएगा, यानी कि जो बच्चा अभी को बता रखा था उनका करेक्ट है, करेक्ट है ना, 23/3। क्या सारे बच्चों को समझ में आया?
दोबारा समझाना बेटा। दरअसल जानते हो क्या है, देखो ये जो सात सही शैलियां, आप इन अंश और हरों को आपस में कट कर दीजिए, है ना। सर, बिल्कुल 4 and 2 + 6 तो 7, 2/3 आपका फाइनल आंसर बनेगा। बच्चों समझ में आया? बच्चों समझ में आया? तो क्या आप कुछ प्रश्नों को हल करना चाहेंगे? सर बच्चों क्या आप सर आप स्क्रीन नहीं दिख रही। सर तो बेटा आप क्लास को एक बार रीज्वाइन करिए, क्लास को आप एक बार रीज्वाइन करिए। मुझे भी नहीं दिख रही, मुझे भी नहीं दिख रही, मुझे और ऐसा है क्या? भी नहीं दिख अरे बेटा रही जो है। सर एक मुझे भी सेकेंड, नहीं दिख रही। क्या किसी बच्चे को मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? नो सर, नो सर, सर नहीं दिखाई दे रही सर। नहीं दिखाई दे। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। कुछ तरह क्या है तो अब बताओ, दिखाई नहीं दिखा अब दिखाई दे रही है ना? रही है। नो यस सर, सर, नो सर, सर नहीं दिखाई दे रही। ऐसा क्यों हो रहा है? अब दे रही है, ये दिखाई दे रही है। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए आंसर करिए। सर पोल सेक्शन तो ऑन करो। कौन सा दो हाँ एक सेकंड, एक सेकंड। यस सर, दरअसल मैं यहीं पे लगा हूँ, आप लोग दिखाई दे इसको दिखाई दे रही है? हाँ आम हो गया सर, क्या हो गया सर। सर? हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। ओके ओके ओके, आपके लिए सर आंसर ए है। नहीं करना है। मैं कितनी बार आपको यस समझा, सर, एक आप बार ना, करे हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको अगर बताना है तो उसमें पोल से बताइए। ओके ओके, सिर्फ 10 सेकंड। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। बात ये दिखाई दे रही, दे रही है सर। यस सर, दिख दिख रही है सर। दिख रही है सर। रही है सर, दिख रही है सर। जिस
आप चलिए अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। आप उसको एक्सप्लेन कर दो, ठीक है? मैं तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। करना इसको करना ठीक है ना? अच्छे 5 सेकंड 5 सेकंड 20 सेकंड सर आपकी आवाज क्या रही। क्या? सर आपके साफ साफ आवाज नहीं आ रही। सर सर आपके कट की आवाज आ रही है। आपकी कट कट के आ रही है आवाज। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ आवाज नहीं आ रही। तो मेरी आवाज है मेरी से। नो सर, सर नहीं समझ आ रहा कुछ सर आप भी। क्या बोल रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा। सर बिल्कुल कट कट के आवाज आ रही है आपकी। हेलो सर आप जो बोल रहे हो समझ सर नहीं आ समझ में रहा। नहीं आ रहा। यस सर, सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ नहीं आ रहा कुछ में। सर पोल सेक्शन तो ऑन करो। चलिए पोल सेक्शन हो चुका है ना? पोल में आंसर करिए इसका। पोल सेक्शन ऑन हो चुका है बच्चों, पोल सेक्शन ऑन हो गया है। सारे लोग पोल में आंसर करिए। सर 2/3। ओके बच्चों, ओके ये बाकी
सर पोल सेक्शन ऑन कर दो। हेलो बच्चों मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, सर, यस सर आ रही यस है। सर। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा। आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख निखिल रही। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम था सर बच्चों। आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। यस सर। अब दिखाई दे रही है? सर यस सर, ठीक है। यस सवाल लगाइए, सर, यस सर, सब हाँ, हो सवाल गई को सर। लगाइए और पोल सेक्शन ऑन। अच्छा एक सेकेंड क्या होता हूँ, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, चार से डिवाइड करो आप, चार दुनिया आठ और चार दुनिया बारह, यानी कि 2/3 है ना, तो कौन सा लास्ट होगा? आंसर करेक्ट होगा। सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर, अच्छा, अब इस वाले सवाल आंसर करिए। 5/10, जैसे मैंने सिखाया था वैसे आंसर। सर पोल सेक्शन ऑन कर दो। सर पोल सेक्शन ऑन कर दो।
सर पोल सेक्शन ऑन कर दो। सर पोल सेक्शन ऑन कर दो। सर पोल सेक्शन तो ऑन कर दो। सर पोल सेक्शन ऑन कर दो। सर पोल सेक्शन ऑन कर दो। सर पोल सेक्शन ऑन कर दो। सर आपकी स्क्रीन भी नहीं दिखा दे रही है। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। तू तो बोले। के बोलो। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। सर आपकी स्क्रीन भी नहीं दिख रही। हाँ यार ना बात तो सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही अब। सर क्लास ओवर कर दी क्या आपने? सर कर दी क्या क्लास ऑफ? बस इतना ही पढ़ाना था। अरे मास्टर छोड़ के बाद गयो। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। सर कहाँ गए आप? सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही अब। आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। सर रोटी खान गए। आज की तारीख में कौन दिखा? सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखा दे रही। सर कहाँ गए? सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन नहीं दिख रही। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। सर आप कहाँ पे गए? आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। सर को सांस लेने दो। स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख। ओके मैन का प्रॉब्लम होगा। आवेंगे सर। सबर करो सबर करो। हेलो हेलो मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। अच्छा क्लीन आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। एक्चुअली है क्या कि बारिश बारिश हो रही है ना, और उसकी वजह से यहाँ पे बहुत नेटवर्क का इशू हो रहा है। ओके यस सर। ओके सर थोड़ा सा कोऑपरेट करिए है ना, थोड़ा सा शोर कम करिए यहाँ पे है ना। ओके
ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ दोबारा से रीज्वाइन करने की, है ना, आप लोग शोर नहीं करेंगे, ओके ओके सर, ओके सर, ओके सर, फाइन सर, ओके सर। ओके बच्चों, एक सेकंड रुकिएगा, है ना, एक सेकंड, तब तक सारे बच्चे एक सवाल लिखिए, मैं ओरली बोल देता हूँ, ठीक है, ओरली मैं बोल देता हूँ बच्चों। क्वेश्चन है 35 बाई, ठीक है, 35 बाई 5, है ना, 35 बाई 5, इसको आप लोग बदलिए, चेंज करिए इसको, सेवन बाई वन। गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सेवन बाई वन, हाँ एकदम सही आंसर है। ये मेरी आवाज क्लियर है सर? यस सर, यस सर, ओके, यस सर। चलो अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन था, क्या आपने इसका आंसर किया है पोल में? नो सर, सर पोल ही नहीं खुला हो। नो सर, ठीक है, मैं समझ गया, पोल नहीं चला, क्यों नहीं चला, नेटवर्क का इशू था बेटा, मैं समझ गया, हाँ हाँ मैं समझ गया बेटा, नेटवर्क का इशू था, लेकिन अब चलेगा। चलो मैंने पोल ऑन कर दिया है ना, पोल ऑन कर दिया, सारे बच्चे आंसर कर दिए। यस सर, यस सर, दे रहा क्या हूँ? हाँ बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों, ठीक है, कर दिया। अगर किसी का, हाँ किसी का कुछ डाउट होगा तो बताइएगा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यस कर दिया सर, हाँ तीन सर, है ना, तीन बच्चों का सही आंसर है, कर लिया सर, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, बाकी लोग भी करिए। ठीक है बच्चों, बाकी लोग भी करिए। ओके, सिर्फ लास्ट के 10 सेकंड और हैं, 10 सेकंड के बाद हम बच्चों पोल बंद कर देंगे। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। ओके बच्चों, मैंने पोल बंद कर दिया, आप लोग चैट में आंसर कर सकते हैं, ठीक है, सारे लोग चैट में आंसर करिए। सारे बच्चे यहाँ पर खड़े, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो करना क्या था, इसको सिंपली आप इसको सिंपलीफाई कर सकते थे, यहाँ से देखो 5 से 5 बन गया 5,
एंड 5 थ्री का 10, आपका फाइनल आंसर बनेगा 3 1/2। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो 2 3 6 और 6 and 1 कितना होता है 7 7/2, यानी कि सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। नो सर। ओके ओके ठीक है, चलो अब हेडिंग लगा दीजिए सारे बच्चे रेशनल नंबर्स। ओके सारे बच्चे हेडिंग लगा दीजिए रेशनल नंबर। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? यस सर। ओके ठीक है ओके चलिए इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखो बच्चों, आपने भिन्न के बारे में सीखा था, तो वहां पे मैंने आप सभी को सिखाया था कि अगर कोई भिन्न होता है तो वो p by q के रूप में होता है ना। लेकिन परिमेय संख्या में अंतर क्या होता है? एक बहुत ही छोटा सा अंतर होता है कि भिन्न में हमेशा हम लोग धनात्मक संख्याओं को लेते थे p और q के जगह पे, लेकिन अगर आप परिमेय संख्या की बात करोगे तो आप ऋणात्मक संख्याओं को भी ले सकते हो। इन जनरल अगर बोला जाए तो आप पूर्णांकों को ले सकते हो। क्या सारे बच्चों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं? सर। यस सर। सर। ओके ओके ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से कि क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं परिमेय संख्याओं के। देखो अगर कहीं पे भी 5 लिखा है, देखो ये 5 ही है और कुछ नहीं है, क्योंकि 5 को आप लिख सकते हो आसानी से 5/1। इसी प्रकार अगर मान लो 7 है तो 7/1 लिख सकते हो। मान लो इसी प्रकार से अगर 12 है तो 12/1 लिख सकते हैं। के सारे बच्चों को मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो मैंने यहाँ पे नेगेटिव संख्याओं को लिया है ताकि आपको है ना एक समझ विकसित हो सके कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं ना। क्या सारे बच्चों ने इसको नोट कर लिया या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। ओके यस सर। अच्छा ठीक है बेटा ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखा गया है। क्या लिखा गया देखिएगा, प्राकृतिक संख्याएं इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन यह अपने आप में क्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को आप 0 शामिल कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 शामिल कर सकते हो, जितनी भी संख्या है। तो 0 भी एक परिमेय संख्या होता है। कैसे? 0 को आप लिख सकते हो बेटा 0/7 है ना, 0/3 लिख सकते हो, 0/2 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो 0 को। तो ये 0 भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ये सारे बच्चों को समझ में आया? क्या सारे बच्चों? यस सर। अच्छा तो अगर कोई पूछता yes, sir. है ना, अगर कोई पूछता है कि बताओ क्या परिमेय संख्या ऋणात्मक हो सकती है, तो हाँ बिल्कुल हो सकती है। क्या परिमेय संख्याओं के जो p और q है वो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, इवन पूर्णांक भी हो सकते हैं। और तो और शून्य भी अपने आप में एक परिमेय संख्या है। बच्चों याद रखिएगा कि जो शून्य होता है ना, यह भी एक परिमेय संख्या होता है। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके बच्चों ओके, अब मैं आप सभी को कुछ सवाल देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनमें से कौन एक परिमेय संख्या नहीं है, है ना, आपको पहचानना है इनमें कौन एक परिमेय संख्या नहीं है। चलिए मैं पोल को ऑन कर देता हूँ, है ना। तो पोल ऑन हो चुका है ना, पोल ऑन हो चुका है, आप लोग पोल में आंसर कर सकते हैं।
ना देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। तो आपके पास चार विकल्प हैं, चारों में से केवल एक ही ठीक होगा, तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या सही है। कर लिया सर। कर लिया था। ओके बच्चों, ओके ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है चलो मैं समझा देता हूँ कि आखिर ये है क्या। तो मुझे ध्यान से देखो, आपको ये बताना था कि इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है। मैंने देखो बोला था तुमसे कि निगेटिव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, है ना। ये -7/8 लिखा गया, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। देखो तो ये 5 है, ये भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि 5/1 लिख सकते हैं। 3.4 है, इसमें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे जहां तक मुझे लगता है, लेकिन बच्चों इसको भी हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, इसको आप लिख दो 34/10। जो ही 34/10 लिखोगे तुरंत ये परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा। लेकिन ये जो √7 है यह एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा वो डी वाला पार्ट होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो बच्चों ये वाला सवाल करके दिखाओ। देखो इसमें बोला जा रहा है कि क्या पूर्णांक एक परिमेय संख्या होते हैं, तो आपको सिर्फ ये बताना है सत्य या असत्य, है ना। चलिए सवाल है ये, मैंने अभी कुछ सिखाया भी था, ऐसा नहीं है कि मैंने बताया नहीं है, मैंने बताया है। सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे। पोल सेक्शन, पोल ऑन हो चुका है बच्चों। ठीक है पोल ऑन हो चुका है। कर दिया सर। कर दिया सर। बाकी लोग भी करिए। सात बच्चों का ठीक है, किसी का गलत लिया है। सर। ठीक है कुल मिलाकर के सात बच्चों का ठीक है, किसी का गलत नहीं। ओके बहुत बढ़िया। ओके बच्चों मैं पोल लिया सर। है ना चैट को ऑन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या पूर्णांक एक परिमेय संख्या होते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल होते हैं, पूर्णांक ही तो परिमेय संख्या होते हैं बच्चों, तो बिल्कुल ये सत्य बात है ना। चलो तो ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही। और आज की ये जो क्लास है बेटा ये ओवर होता है। ठीक है किसी का कुछ डाउट है तो हमसे पूछ लीजिए।